नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस बिहार में। आपके साथ मैं हूं उदीप तारण। हमने देखा कि पिछले 8 दिनों में किस तरह पटना जलमग्न हो गया। पटना के जो बड़े बड़े हस्तियां हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, उनके साथ ही साथ और भी अन्य सेलिब्रिटीज जैसे कि शारदा सिन्हा, ये लोग अपने ही घर में कैद हो गए थे। NDRF की टीम और पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुमार रवि ने सुशील कुमार मोदी को रेस्क्यू किया, उन्हें बचाया, उनके घर से निकाला। वो अपने घर में ही 3 दिनों तक पानी में कैद थे। ये बहुत ही शर्मनाक खबर थी, जिसके बाद से सुशील मोदी लगातार गायब हैं। मीडिया के सामने आने से वो बच रहे हैं, पर उससे भी बड़ी खबर अभी मिली है कि जिस घर में सुशील मोदी रहते थे, उनके सामने वाले घर में, मतलब उनके जो पड़ोसी हैं, वो बेचारे किस तरह से 5 दिनों से अपने घर में कैद थे। वहाँ पे एक बूढ़ी महिला थी, साथ ही साथ एक 5 साल का बच्चा भी था, जो बिना खाए पिए लगातार 3-4 दिनों से अपने घरों में कैद था। भूखे मरने जैसी नौबत आ चुकी थी, पर सुशील कुमार मोदी की जो टीम है, जो NDRF की टीम है, वो अपने पड़ोसी को ही नहीं बचा पाते हैं। देखिए इस वीडियो क्लिप में कि क्या कुछ कहना है उस परिवार का, जो इस त्रासदी से अभी महज कुछ मिनटों पहले निकल कर बाहर आया है। NDRF टीम को नहीं, सुशील मोदी। अच्छा, उनको फोन करके सुशील मोदी सामने रहते हैं और तब भी आप लोग का हेल्प नहीं हुआ? वो हम लोग के बगल से गए बिना कुछ हेल्प किए, बिना पानी खाने के। हम लोग 4 दिन से छोटा पोता है, 5 साल का, अभी जब वही है। नहीं, आ रहे हैं, अभी आए हैं। कितने 3 दिन से वही फंसे हुए NDRF टीम को नहीं, सुशील मोदी। अच्छा, उनको फोन करके सुशील मोदी सामने रहते हैं और तब भी आप लोग का हेल्प नहीं हुआ? वो हम लोग के बगल से गए बिना कुछ हेल्प किए, बिना पानी खाने के। हम लोग 4 दिन से छोटा पोता है, 5 साल। तो आपने देखा कि किस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री बेशर्म की तरह अपने घर में फंस जाते हैं। उनको बचाने के लिए NDRF आती है और उनके जो पड़ोसी हैं, जो उनसे गुहार लगाते रहते हैं, पुकार लगाते रहते हैं, पर सुशील कुमार मोदी, या यूं कहें कि पूरी बिहार की सत्ता को इस जल जमाव ने, इस बाढ़ ने इतना लाचार कर दिया। उसी बीच एक ऐसे नेता पप्पू यादव उभर कर हमारे सामने आए, जो कि हर लोग तक पहुंचने का अथक प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो JCB हो, ट्रैक्टर हो, या पानी में खुद उतर भी जा रहे हैं और लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो आपने देखा कि वो परिवार किस तरह प्रताड़ित था, अपने ही घर में कैद था, पर बिहार की जो सत्ता है वो सोई हुई थी और आज भी वो सोई हुई है। धन्यवाद।